हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और सेहतमंद होंगे। और फ्रेंड्स, अभी हो गई है शाम और आज है मंगलवार। और मैंने सुबह से ना बहुत सारे ऐसे काम थे जो कि पेंडिंग पड़े हुए थे, तो मैं वो सब करने में बिजी थी, इसी की वजह से मैंने वीडियो शूट नहीं किया, सॉरी। मैं अभी शाम से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अभी हो गई है शाम और मैं बना रही हूँ अपनी चाय, ये देखिए। और मेरी सुबह और शाम दोनों की शुरुआत चाय से ही होती है, क्योंकि मैं टी लवर हूँ। तो बस अभी मैं चाय बना रही हूँ और आदि नीचे चला गया है साइकिलिंग करने के लिए। वो साइकिलिंग भी करता है और फिर वहीं से वो ग्राउंड में चला जाता है खेलने के लिए भी, तो उसके बाद ही वो आता है और उसके बाद फिर अपना पैर हाथ धोकर पढ़ने बैठ जाता है। और तब तक इधर जो भी काम रहते हैं मैं वो सब काम करती हूँ। तो बस देखते रहिए मेरे ब्लॉग को और देखिए कि मैं क्या क्या करती हूँ। तो बस अभी तो मैं फ़िलहाल चाय बना रही हूँ। फ्रेंड्स, अभी मैं चाय इंजॉय कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि कल यानी कि मंडे को मैंने कोई भी ब्लॉग शूट ही नहीं किया था, इसीलिए मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया। और सच बताऊँ तो कभी कभी ब्रेक लेना चाहिए, क्योंकि कभी होता क्या है ना कि हम लोग कंटिन्यू कोई काम करते हैं ना, तो फिर जो हमारा डेली का जो काम होता है, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज ए मॉम, एज ए हाउस वाइफ, एज ए वाइफ एंड एज ए एवरीथिंग, मतलब वो बोलते हैं ना कि हम लोग तो बहुत रिश्तों से घिरे हुए हैं, तो बहुत ऐसा काम होता है जो कि पेंडिंग हो जाता है। और फिर ब्लॉगिंग भी, फिर अपनी लाइफ भी, दोनों को ना मेन मतलब कि दोनों को मैनेज करना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। और इस बीच हम लोग इतने ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं कि सच बताऊं तो अपनी ज़िंदगी जीना ही भूल जाते हैं, और फिर हम लोग का जो लाइफ से इंटरेस्ट होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जो मैं ब्लॉगिंग करती हूँ ये मेरी मजबूरी है, नहीं, ये मेरी एक खुशी है, मैं आपसे सही बता रही हूँ, मुझे ना खुशी मिलती है ये करने में। तो इसीलिए मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ ना कि मैं इस काम को ना एक बिल्कुल नेगेटिव माइंड से या फिर बिल्कुल थकी हुई हूँ, मन नहीं कर रहा, फिर भी मजबूरी में कैमरा उठा लिया और वीडियो शूट करने लगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जब मैं मतलब जब मेरा मूड अच्छा होता है ना, मैं चाहती हूँ कि मैं उसी पीरियड में अपना वीडियो शूट करूँ, ताकि आप लोग भी ना थोड़ा मेरी वीडियो देखने के बाद खुश हों। इसलिए कि सभी के लाइफ में स्ट्रेस है, प्रॉब्लम है, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी इन दोनों का कॉम्बिनेशन तो चलते ही रहता है। तो एक तो हम खुद ही अपनी लाइफ में परेशान हैं और फिर दूसरे का वीडियो देखो, उसको भी देख कर दुखी हो जाओ, तो फिर फ़ायदा क्या? तो बस इसीलिए मैंने ना कल एक दिन का ब्रेक ले लिया था और फिर मैंने इसीलिए आज से ब्लॉग स्टार्ट किया। कल मैंने कोई भी ब्लॉग शूट ही नहीं किया था, बस मैंने संडे को वीडियो डाल दी थी, उसके बाद फिर मैंने वीडियो ना शूट किया और ना ही मैंने अपलोड किया। बट फिर आज मंगलवार से मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो बस फ्रेंड्स, इसलिए तो अभी तो मैं चाय पी रही हूँ। और मैंने ना जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है हमारे घर में, तो मतलब कि इस घर में जिस घर में मैं रहती हूँ, तो छत पे तो कपड़ा जो है ना वो सुखाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो वो लेबर लोग ना करीब 5:30 बजे तक जाते हैं, तो मैं ना कपड़े धोकर रखे रहती हूँ और उसे मैं शाम को 6 बजे डाल देती हूँ, और फिर दूसरे दिन लेबर आने के पहले यानी कि 7:30 बजे कपड़े उठा लेती हूँ, मतलब कि 8 बजे तक उठा लेती हूँ। तो मैं ना वही सारे कपड़े वगैरह मैं धोई थी हाथों से नहीं, मतलब कि मशीन में ही। तो अभी तो मुझे वो कपड़े डालने हैं, बट अभी भी आवाज़ ऊपर से आ रही है, इसका मतलब है कि अभी लेबर लोग हैं, तो इसलिए मैं नहीं डालने जा रही हूँ। और अभी टाइम तो 5 बज रहा है, अभी मैं आप लोगों को भी टाइम दिखा देती हूँ। देखिए, शाम के 5 बज रहे हैं, शाम के 5, तो
अब करीब आधा घंटा लग जाएगा, और अभी तो अब दूध वाले अंकल भी आते ही होंगे। वो उनका ना कोई टाइमिंग नहीं होता, कभी 5 बजे भी दे देते हैं, कभी 5:30 बजे, कभी 6 बजे। तो इसलिए मैंने जो जिस डब्बे में दूध लेती हूँ ना, जो केन होता है, तो उस केन को मैंने डाइनिंग टेबल पे रख दिया है, ताकि जब वो आते हैं तो मैं तुरंत से ले लूँ। तभी तो बस मैं चाय इंजॉय करती हूँ। तो बस मिलते रहिए, और सॉरी, कंटिन्यू रहिए मेरे ब्लॉग में, और देखते रहिए मेरी वीडियो। और अभी दूध वाले अंकल ने दूध दिया, तो मैं उसी को छान कर और रख दी हूँ दूध उबलने के लिए। और मेरा दूध अभी बॉयल हो चुका है, तो हमें लग गई है शाम की छोटी सी भूख। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ी सी फ्राई चावल बना रही हूँ, या फ्राई चावल बोले या फिर चावल फ्राई। तो मैं इसकी रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ, इसलिए कि आज बहुत लेट हो गया था, तो बस मैं जल्दी जल्दी बनाने लगी थी। और ये जो चावल है, ये थोड़े से बचे हुए थे, तो इन्हीं को मैं फ्राई कर रही हूँ। और ये जो फ्राई राइस है, ये बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनती है। मैं इसकी किसी दिन रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। ये देखिए कितनी डिलीशियस है। और ये खाने के बाद ना, यहाँ पे देख लीजिए, आधी तो बस थोड़ा सा खाया, 1-2 चम्मच, बाकी मैं ही खाई। और यहाँ पे अब मैं बनाने लगी हूँ डिनर। तो डिनर में आधी ने तो कुछ नहीं बोला था, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पनीर की सब्ज़ी बना दूँ, ताकि वो खुशी से खा लेगा। तो बस मेरी एक साइड जो है वो पनीर की सब्ज़ी बन रही है, और दूसरे साइड में यहाँ पे रोटियाँ बना रही हूँ। और यहाँ पे ना आज थोड़ा सा डिनर में भी लेट हो गया है, तो मैं कोशिश करूँगी कि अभी बस रोटियाँ गर्मा गर्म मैं गर्मा गर्म रोटियाँ बनाऊँगी, और बस साथ के साथ हम लोग जो है डिनर भी कर लेंगे। डिनर करने के बाद फिर मैं सारा किचन के बर्तन वगैरह धो के किचन साफ़ कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी वीडियो आज यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ये है हमारा आज का डिनर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।